जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लावेपोरा ऑपरेशन की अगुवाई सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन की कमांडेंट संतो देवी कर रही थी। दरअसल उन्हें एक इनपुट मिला था कि आतंकी उत्तरी कश्मीर से श्रीनगर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसके मद्देनजर श्रीनगर बारामुल्ला राजमार्ग में लावेपोरा में इस बटालियन का नाका लगाया गया और संदिग्धों की तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान एक स्कूटी सवार तीन लोग बिना हेलमेट के आते दिखे। जब उन्हें रोका गया तो स्कूटी पर सबसे पीछे बैठे शख्स ने पिस्टल निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तुरंत संतो देवी ने मोर्चा संभाला और बीच सड़क पर दो आतंकियों को ढेर कर दिया। तीसरे आतंकी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो स्कूटी लेकर फरार हुआ, मगर कुछ ही दूरी पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा की रहने वाली संतो देवी पिछले 33 सालों से सीआरपीएफ में तैनात है। संतो देवी के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन को शुरू और खत्म होने में केवल 10 मिनट का समय लगा, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन ऑपरेशन रहा। इस ऑपरेशन में उनकी कंपनी का एक जवान भी शहीद हो गया। संतो देवी इससे पहले भी शौर्य का प्रदर्शन कर चुकी हैं। 2005 में अयोध्या में रामलला परिसर में हुए आतंकी हमले को विफल करने वाली टीम का भी वो हिस्सा रह चुकी हैं। सीआरपीएफ के सभी बड़े अधिकारियों ने इस टीम को इस ऑपरेशन के लिए शाबाशी भी दी है। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं और तीसरा आतंकी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज श्रीनगर के स्टेट हॉस्पिटल में चल रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक मुठभेड़ में आतंकियों से दो पिस्टल और कुछ ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। न्यूज़ डेस्क।